माई आइज नोज ईयर्स टंग एंड स्किन हेल्प मी टू फील द आउटसाइड वर्ल्ड. आउटसाइड वर्ल्ड मीन्स आउटसाइड एंड बाहर की, वर्ल्ड मीन्स दुनिया, बाहर की दुनिया. मेरी जो आइज है, नोज है, ईयर्स हैं, टंग है और स्किन, ये सब मेरी हेल्प करते हैं बाहर की दुनिया को फील करने में, यानी महसूस करने में. आउटसाइड वर्ल्ड यानी बाहर की दुनिया को फील करने में ये सब मेरी हेल्प करते हैं. दे आर नोन एज सेंस ऑर्गन्स. इनको सेंस ऑर्गन्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है? सेंस ऑर्गन्स. हाउ टू कीप हेल्दी. हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? टू कीप माई सेल्फ हेल्दी. हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं कैसे? आई मस्ट ईट हेल्दी फूड. हमें हेल्दी फूड यानी स्वस्थ भोजन, अच्छा भोजन खाना चाहिए. ड्रिंक क्लीन वाटर, साफ पानी पीना चाहिए. एंड कीप माई होम स्कूल एंड सराउंडिंग्स क्लीन. सराउंडिंग्स में चारों ओर का जो एरिया होता है. हमें अपने होम को, होम मीन्स घर, स्कूल और हमारे चारों तरफ का जो एरिया होता है, सराउंडिंग में चारों तरफ का जो एरिया होता है जहां हम बैठते हैं, सोते हैं, रहते हैं, खेलते हैं, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए. उनको हमें साफ रखना है. आई फॉलो ए डेली रूटीन ऑफ पर्सनल क्लीनलीनेस. मैं एक डेली रूटीन फॉलो करता हूँ अपनी पर्सनल क्लीनलीनेस के लिए, साफ़ सफाई के लिए. पर्सनल क्लीनलीनेस मतलब खुद की साफ़ सफाई के लिए क्या करना है उसके लिए हमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स. ये जो नीचे वर्ड्स दिए गए इनकी हेल्प से हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स करने ही है. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अर्ली मीन्स जल्दी, हमें जल्दी उठना है. मैं जल्दी उठता हूँ. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं जल्दी मॉर्निंग में जल्दी उठता हूँ. आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस इन ए डे. मैं अपने दांतों को दो बार ब्रश करता हूँ. आई टेक ए बाथ एवरी डे विथ वाटर एंड सोप. मैं रोज़ बाथ लेता हूँ, मतलब नहाता हूँ, किससे? वाटर और सोप यानी पानी और साबुन से. आई वाइप, वाइप मीन्स पोंछना. माई सेल्फ, मैं खुद को पोंछता हूँ, किससे? विद ए क्लीन टावल, टी ओ डब्ल्यू ई एल टावल. टावल मीन्स तौलिया. मैं खुद को एक क्लीन टावल यानी साफ सुथरे तौलिए से पोंछता हूँ. आई वियर क्लीन एंड आयरन. आयरन मीन्स प्रेस की हुई. आयरन मीन्स क्या होता है? प्रेस की हुई यूनिफॉर्म. और फिर मैं एक क्लीन यानी साफ़ सुथरी प्रेस की यूनिफॉर्म पहनता हूँ. आई कॉम्ब माई हेयर, अपने बालों को कंघी करता हूँ. आई टेक माई ब्रेकफास्ट, और फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ. एंड देन गो टू स्कूल, और उसके बाद स्कूल जाता हूँ. ये हमारा डेली रूटीन है. इससे हम अपनी साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं. अगर हम इस रूल को फॉलो करेंगे तो हम हेल्दी भी रह सकते हैं, साफ सुथरे भी रह सकते हैं और अपने आसपास के एरिया को भी साफ सुथरा रखना है. ठीक है, एक बार ये मीनिंग पढ़ लेंगे. टी ओ डब्ल्यू ई एल टावल. टावल मीन्स तौलिया. यू एन आई एफ ओ आर एम यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मीन्स पोशाक या ड्रेस. ई ए आर एल वाई अर्ली. अर्ली मीन्स जल्दी. एस ओ ए पी सोप. सोप मीन्स साबुन. एच ए आई आर हेयर. हेयर मीन्स बाल. डब्ल्यू ए टी ई आर वाटर. वाटर मीन्स पानी. बी आर यू एस एच ब्रश. ठीक है, अब हम नीचे क्या करना है? टिक राइट द करेक्ट एंड क्रॉस रॉन्ग द रॉन्ग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट कंप्लीट करने हमें फर्स्ट क्या है? आई कट माई नेल्स व्हेन दे आर ग्रोन अप. ग्रोन अप मीन्स बढ़ जाना. हमें अपने नेल्स को कट करने हैं जब वो बढ़ जाते हैं. तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? राइट
बट निप के बाद हमें नेल्स को कट करना है, तो क्या है ये राइट है ना। आई ईट पोटैटो चिप्स एंड बर्गर्स, पोटैटो चिप्स और बर्गर्स मैं खाता हूँ, तो ये अच्छी बात है, ये जंक फूड होता है, नहीं है ना ये अच्छी बात। तो हमें पोटैटो चिप्स और बर्गर रोज़ नहीं खाना चाहिए, ये तो रोंग बात है, तो हम इस पर रोंग लगा देंगे क्योंकि ये रोंग है, ये अच्छी बातें नहीं है। हमें अपनी साफ़ सफाई का और अच्छी चीज़ों का, हेल्दी फूड का ध्यान रखना है ना, हमें हेल्दी हेल्दी खाना है जिससे हम स्वस्थ रह सकें, और पोटैटो चिप्स और बर्गर खा के तो हम हेल्दी नहीं रह सकते, तो इसलिए हम यहाँ पर रोंग लगाएंगे। आई एक्सरसाइज डेली इन द ओपन, ओपन यानी खुले में, हमें खुले में, मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, खुले में मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, तो इसमें हम राइट लगाएंगे क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, हमें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो ये राइट आएगा। आई वॉश माई हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाने से पहले और बाद में मैं हैंड वॉश करता हूँ, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल गुड है ना। तो फिर यहाँ पे हम राइट करेंगे, जो अच्छी बात है उन पे हमें राइट करना है, जो अच्छी बातें नहीं हैं उस पे हमें रॉन्ग करना है। आई नेवर ड्रिंक मिल्क, नेवर मीन्स कभी नहीं, मैं दूध कभी नहीं पीता, तो ये तो बहुत रॉन्ग है कि दूध नहीं पीते, दूध तो रोज़ पीना चाहिए, सबको पीना चाहिए ना दूध, तो ये इसमें तो लिखा है कि मैं नहीं पीता, तो फिर ये तो गलत बात है, कभी नहीं पीता, तो यहाँ पे हम रॉन्ग लगाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया इतना। एक बार ये पढ़ेंगे, अवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, मेरी बॉडी में, हमारी बॉडी में अनेक पार्ट हैं, अवर मीन्स हमारी, ईच पार्ट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले, सभी पार्ट्स का अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल है। वी कैन डू मैनी थिंग्स विथ अवर हैंड्स एंड फिट, हम अपने हाथों और पैरों से अनेक चीज़ें कर सकते हैं। देयर आर फाइव सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं।